दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इंग्लिश प्ले राइट जॉन वेबस्टर का लिखा हुआ एक प्ले द वाइट डेविल। दोस्तों इससे पहले मैं जॉन वेबस्टर का एक और प्ले द डचेस ऑफ मालफी को डिस्कस कर चुका हूँ। डचेस ऑफ मालफी बहुत ही जरूरी प्ले है जॉन वेबस्टर का दोस्तों, और ये प्ले भी बहुत जरूरी है। ये एक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी है। मैं आपको इस प्ले के बारे में बताता हूँ कि क्यों इसका टाइटल द वाइट डेविल रखा गया। दोस्तों ये प्ले सबसे पहले तो एक्सप्लोर करता है लोगों की रियलिटी, जो वो सच में हैं और जो वो दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं कि हम कितने गुड हैं, वाइट हैं, प्योर हैं, उसके बीच के डिफरेंस को। इसलिए दोस्तों इस प्ले का नाम वाइट डेविल रखा गया है। ये प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लोडोविको नाम के बंदे से। ये एक इटालियन काउंट है जिसको मर्डर के इल्ज़ाम में रोम से बाहर निकाल दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अय्याश भी है, ऐसा कहा जाता है। तो इसको गुस्सा आता है, इसके दो दोस्त इसको बताते हैं इसके बैनिशमेंट के बारे में। इसको गुस्सा आता है अपने बैनिशमेंट पर। इसके दो दोस्तों के नाम है गैस्पारो और एंटली। ये इसको बताते हैं कि तुम्हारा बैनिशमेंट हो चुका है, लेकिन ये दोनों इससे प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ करेंगे कि तुम्हारा ये बैनिशमेंट माफ़ हो जाए। अब फिलहाल इस लोडोविको को इस सिटी से बाहर कर दिया गया है, रोम से। अब यहाँ तक ये चीज़ भूल जाओ एक तरह से। अब हम मेन कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है ब्राचियानो, ये ब्राचियानो है, ड्यूक ऑफ ब्राचियानो। ये एक विक्टोरिया नाम की लड़की का दीवाना है। दोस्तों ये लड़की भी नोबल फैमिली से है, लेकिन ये लड़की शादीशुदा है। ये ब्राचियानो भी शादीशुदा है, ये दोनों ही शादीशुदा है। तो ये विक्टोरिया भी नोबल फैमिली से है, लेकिन अभी इसकी फैमिली गरीबी में जी रही है। इसकी शादी हो गई है कैमेलो नाम के एक आदमी के साथ में, और ब्राचियानो की शादी हुई है इसाबेला नाम की एक लेडी के साथ में। लेकिन ब्राचियानो यहाँ पर विक्टोरिया को पसंद करता है, ये इसको पैसे वैसे देता रहता है, मिलता रहता है इससे। हालांकि यहाँ पे विक्टोरिया का एक भाई है दोस्तों, फ्लैमिनियो नाम है उसका। ये ब्राचियानो का सेक्रेटरी है एक तरह से, इसके लिए काम करता है, लेकिन इसको अपने करियर की बहुत चिंता है। ये अपना करियर अच्छा करना चाहता है, तो ये चाहता है कि ये अपनी बहन को इस ब्राचियानो से मिलवाए ताकि इसके लिए अच्छा हो एक तरह से। तो ये ड्यूक ब्राचियानो को अपनी बहन से मिलवाता है विक्टोरिया से, और इन दोनों की सीक्रेट मीटिंग होती है। लेकिन तभी इनकी माँ, इसकी माँ विक्टोरिया और इस फ्लैमिनियो की माँ कॉर्नेलिया यहाँ पर आ जाती है और इनकी सीक्रेट मीटिंग को पकड़ लेती है। ये इस बात के ख़िलाफ़ है कि मेरी बेटी शादीशुदा है तो उसे किसी और आदमी से नहीं मिलना चाहिए, और ये बहुत कोसती है इसको, अपने बेटे को, फ्लैमिनियो को, कि तुम अपनी बहन को एक पराए आदमी से मिलवा रहे हो। तो एक तरह से इनका प्लान, एक तरह से ये सीक्रेट मीटिंग का प्लान एक तरह से ख़राब हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ब्राचियानो की भी एक वाइफ है इसाबेला, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो लेडी का एक भाई है, इसाबेला का एक भाई है जिसका नाम है फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को इस ब्राचियानो को पसंद नहीं करता, यानी कि अपने बहनोई को, अपने जीजे को पसंद नहीं करता। हालांकि इसाबेला बोलती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड के साथ में ढंग से बिहेव करना चाहिए। इसाबेला को सब पता है कि इसके हस्बैंड का, यानी कि ब्राचियानो का अफेयर चल रहा है विक्टोरिया के साथ में, लेकिन फिर भी वो बोलती है अपने भाई से। तो ये दोनों भाई बहन जो हैं, इनमें यही कन्वर्सेशन चल रही होती है। इसाबेला यहाँ से जाती है तो ब्राचियानो यहाँ पर आता है। अब ब्राचियानो जब यहाँ पर आता है तो इसके और इसके साले फ्रांसिस्को के बीच में लड़ाई सी हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये लड़ाई सुलझ जाती है, इसाबेला भी इससे मिलती है ब्राचियानो से। उसको भी गुस्सा है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की से, विक्टोरिया से जाकर मिलता है, सीधी सी बात यह है, तो उसको भी गुस्सा है। अब दोस्तों ये विक्टोरिया ब्राचियानो से क्या बोलती है कि इसने रात में एक सपना देखा कि इसकी वाइफ, ब्राचियानो की वाइफ इसाबेला और इसके हस्बैंड कैमेलो ने मिलकर इसको मार दिया, विक्टोरिया को मार दिया। तो ब्राचियानो इससे बोलता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये ब्राचियानो फ्लैमिनियो के साथ मिलकर तय करता है कि ये विक्टोरिया के हस्बैंड कैमेलो और इसाबेला को मार देंगे। अब ये दोनों मिलकर मर्डर कर भी देते हैं, लेकिन इस मर्डर के चार्ज में बेचारी विक्टोरिया फंस जाती है। दरअसल इन दोनों ने कैसे मर्डर किया था, इसाबेला को तो पॉइजन दिया था इन्होंने, और इस विक्टोरिया के हस्बैंड कैमेलो को इन्होंने गर्दन से मारा था, मतलब गर्दन तोड़ के मारा था ताकि किसी को पता ना चले, एक एक्सीडेंट सा लगे, कोई सबूत ना मिले।
विक्टोरिया को पकड़ लिया जाता है इस इल्जाम में कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, कैमिलो का मर्डर किया है। लेकिन विक्टोरिया ने मर्डर किया ही नहीं है, उसके खिलाफ किसी के भी पास कोई रियल एविडेंस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर कैमिलो का एक अंकल है मोंटेजल, वो भी आकर के इसको ब्लेम करने लगता है विक्टोरिया को कि इसी ने मर्डर किया है, इसको बहुत सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एविडेंस रियल किसी के पास भी नहीं है, वो खुद को डिफेंड करती है। फ्रांसिस्को तो बहुत ज़्यादा इसकी बुराई करता है, कहता है कि इसको जेल होनी चाहिए, विक्टोरिया को जेल होनी चाहिए और ऐसे कॉन्वेंट में इसको कैद करना चाहिए जहाँ पर वैश्याएँ रहती है। अब अपनी बहन के बारे में ऐसी सज़ा सुनने के बाद में फ्लामिनियो पागल होने का बहाना करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे भी कोई ऐसी सज़ा ना सुना दी जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्ले की शुरुआत में आपको एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया था, लडोविको, जिसको शुरू शुरू में बैनिश कर दिया गया था। अब यहाँ पर उसका कैरेक्टर आता है, सबसे इसका रोल आता है, उसकी सज़ा माफ़ हो गई है, वो आ जाता है रोम वापस, मतलब कि इसको देश से बाहर निकाल दिया गया था, अब वो रोम में वापस आ गया है। दोस्तों, इसके बारे में पता चलता है कि ये इसाबेला से सीक्रेटली प्यार करता था, तो यहाँ आने के बाद ये कसम खा लेता है कि वो इसाबेला की मौत का बदला लेगा, जिसने भी इसाबेला को मारा है उससे इसाबेला की मौत का बदला लेगा। और इसाबेला का जो भाई था फ्रांसिस्को, वो तो अभी भी बदला लेने के लिए मतलब पागल हुए जा रहा है, वो भी बदला लेने का प्लान बनाता है। ये फ्रांसिस्को क्या करता है, ये पता क्या करता है, ये विक्टोरिया के लिए एक लव लेटर लिखता है, फेक लव लेटर। ये चाहता है कि ये लव लेटर ब्राचियानो के हाथ में पड़े और वो जेलसी में आकर इसको सजा दे, इस विक्टोरिया को सजा दे। अब शुरू शुरू में तो इस फ्रांसिस्को का प्लान सक्सेसफुल होता नज़र आता है, ब्राचियानो खुद विक्टोरिया को एक वैश्या कहकर बोलता है कि तुम एक वैश्या हो, लेकिन बाद में विक्टोरिया उसको मना लेती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत फेथफुल हूँ, और ये दोनों आपस में भाग जाते हैं, ये विक्टोरिया और ब्राचियानो ये आपस में भाग जाते हैं। और इन दोनों के भाग जाने के बाद में इनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है, यानी कि समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर विक्टोरिया और ब्राचियानो आपस में शादी कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, विक्टोरिया की एक मेड सर्वेंट है, उसका भी रोल है, जांच नाम है उसका, ये एक मूर है, यानी कि ये एक निग्रो है, इससे ये फ्लामिनियो प्यार करता है, मतलब कि ये इसकी शायद गर्लफ्रेंड टाइप की है। विक्टोरिया और फ्लामिनियो का एक भाई और है जिसका नाम है मार्सेलो, वो भी दोस्तों उसका भी रोल है यहाँ पर, क्या रोल है वो भी बता देता हूँ। ये फ्लामिनियो और मार्सेलो, इन दोनों भाइयों में लड़ाई होती है इस जांच को लेकर, और लड़ाई में ये फ्लामिनियो अपने भाई मार्सेलो का मर्डर कर देता है। वो सब आगे का सीन है, अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि तीन स्ट्रेंजर्स आते हैं इस ब्राशियानो के पास में, ये तीनों ने अपना भेष बदल रखा है। एक्चुअली ये तीनों जने हैं कौन, एक तो फ्रांसिस्को है, लडोविको है और गैस्पारो, ये लोग बदला लेने आए हैं इसाबेला की मौत का। इन्होंने ब्राचियानो को जहर दे दिया और जब वो मर रहा था तो उसके सामने आकर इस लडोविको ने बता दिया कि मैं कौन हूँ, मतलब मरते मरते उसको बता दिया, ये यहाँ पर मर गया ब्राचियानो। अब ऐसे में मैंने आपको बताया था कि विक्टोरिया की मेड जांच की वजह से इन दोनों में लड़ाई हुई है भाइयों में, जिसमें से फ्लामिनियो ने अपने भाई मार्सेलो का मर्डर कर दिया, तो फ्लामिनियो को कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है मर्डर के इल्ज़ाम में। कौन बाहर निकालता है उसको कोर्ट से, तो दोस्तों ब्राचियानो का इसाबेला के साथ में एक बेटा था जियोवानी, वो अभी अभी नया ड्यूक बना है, उसने ड्यूक बनते ही फ्लामिनियो को बाहर निकाल दिया कोर्ट से, क्योंकि इसने फ्लामिनियो ने अपने भाई मार्सेलो का मर्डर किया। तो अब कोर्ट से निकाले जाने के बाद, बैनिश होने के बाद में ये आता है विक्टोरिया के पास में, ये समझता है, रास्ते में आते आते इसको ऐसा लगता है कि सारे कारण, सारा जो कुछ भी हुआ है, इस सब की जड़ है इसकी बहन विक्टोरिया। तो ये विक्टोरिया के पास आता है और नाटक करता है कि मैं तुम्हें और खुद को दोनों को मार देना चाहता हूँ। तो विक्टोरिया भी बोलती है, ऐसे झूठ में बोलती है कि मैं भी खुद को मारना चाहती हूँ। तो फ्लामिनियो उसको पिस्तौल देता है कि पहले तुम मुझे मार दो, उसके बाद खुद को भी मार लेना, हम सुसाइड कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जांच भी है, इनकी जो मेड सर्वेंट है जांच, वो भी यहीं पर है। तो ये विक्टोरिया अपने भाई फ्लामिनियो को मार तो देती है गोली से, लेकिन खुद को नहीं मारती, वो नाटक कर रही थी। फ्लामिनियो यहाँ पर बंदूक की गोली खाकर गिर जाता है, लेकिन जब काफ़ी देर तक विक्टोरिया खुद को नहीं मारती तो वो उठकर खड़ा हो जाता है,
और बोलता है कि बंदूक में गोली नहीं थी, नकली गोली थी एक तरह से, मैं तुमको टेस्ट कर रहा था। अब दोस्तों तीनों जने यहाँ पर थे, ये जांज, विटोरिया और फ्लेमिनियो, ये आपस में ऐसे ही बात कर ही रहे थे। तभी यहाँ पर दोस्तों लडोविको आता है गैस्पारो के साथ में, और आते ही ये इन तीनों को कुछ नुकीला सा मारकर ख़त्म कर देता है। और दोस्तों इसके बाद लडोविको को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे बड़ा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।